अखरोटे पिंड के अंदर ग्राम पंचायत अखरोटे नू सोड वेस्ट दे लई 3,32,000 रुपया जिहड़ी ओह पंजाब सरकार वालों ग्रांट पिछले दिनों विच जिहड़ी आ मिली सीगी। सो अज सोड वेस्ट का इत्थे नींह पत्थर रखिया 3,32,000 रुपये नाल बनेगा। और इहदे नाल नाल अज एक बहुत ही अच्छी पहलकदमी जिहड़ी आ ओह इस नगर के नौजवानों के लिए ग्राम पंचायत वालों 2.5 एकड़ दे विच एक स्टेडियम बनाने दे लई जगह खाली पंचायत ने की है। सो मैं जिथे ग्राम पंचायत नूं उत्थे इस पिंड दे लोकां नूं भी मुबारक भेंट करदा भी साडा यूथ जिहड़ा घट्टो घट्ट जिहड़ा आ उहो खेड मैदानां च आवे, खेडां च अपनी उहदी रुचि वधे, ते इहदे लई लाजमी आ कि पिंडां दे अंदर जिहड़े खेड स्टेडियम बनने चाहीदे। सो मैं अज जिथे सोल्ड वेस्ट दा उद्घाटन कीता उहदे नाल नाल इस पिंड दे अंदर आंगनबाड़ी लई भी जिहड़ा 2 लाख रुपए का मैं दिता सी उन्हां नूं अनुदान पिछले दिनों च, उहदा भी कम चल रहा। सो मेरा यह वादा अपने हल्के दे लोकां दे नाल कि किसी भी तरह का कोई पक्षपात जिहड़ा आ विकास दे कम्मां च खास करके नहीं होवेगा। सो मैनूं खुशी आ भी मैं हुण तक करोड़ां रुपये जिहड़े अपने हल्के च वंड चुक्या आ, ते लगातार यह सिलसिला जारी आ। सो मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जिस तरह पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दा संकल्प लै के तुरे आ, मैं समझदा लोगों की जिंदगी खुशहाली लिया के ही रंगला पंजाब पंजाब का बनाया जा सकता पंजाब नूं। सो इहदे लई सरकार लगी है, मानयोग मुख्यमंत्री लगे आ। सो असी भी सारे अज साडी इत्थे जिहड़ी आ ब्लाक नंबर 3 दी टीम, उन्हां दे प्रधान कुलदीप सिंह जी, इस नगर दे साडे अमन जी सरपंच, साडे मैडम, होर बहुत सारे साथी आ जिहड़े लगातार लोगों दे विचरदे और वखो वखरे सवालों नूं जिहड़ा हल कीता जा रहा। सो मेरा वादा हल्के दे लोगों दे नाल कि इह सिलसिला लगातार जारी रहेगा विकास से काजा दा। मंत्री साहब जी, साडे कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजकांत चौधरी जी, दरबेश सियादतदान महबूब नेता साडे इत्थे आए आ खरोटा विच, इन्हां ने सोलवेंट प्लांट वास्ते भी जिहड़ा नींह पत्थर रख्या वा ते खेल मैदान वास्ते भी 2.5 किले जिहड़ी जगह दित्ती है, ते मैं मंत्री साहब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं सारे हल्के भोज जिहदा कर रहे हो वो इस पिंड 'च भी अज आए हो, ते मैं उम्मीद करदा कि वख वख होर पिंडां 'च वी इदां ही तुसीं करदे करोगे तां जो साडा जिहड़ा आउण वाला नौजवान पीढ़ी है ते खेड़ां खेड के ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।